Assalamualaikum everyone, how are you all? How's everything? So, आज का व्लॉग बहुत अलग होगा. मेरे रूम की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा. तो हम मिलके, आप लोग तो देख रहे हो, लेकिन मैंने ये रूम साफ़ करना, तो हम मिलके अपना ये रूम साफ़ करेंगे. तो मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाने लगी हूँ, लेकिन डोंट जज मी. तो ये रूम की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है. ये ड्रेसिंग का हाल देख सकते हैं आप, वो वहाँ पर जेम्स हो रहा है. ये बेड, ये मतलब शेम ऑन यू वाली से. ये क्या वर्क हो क्या रहा है? ये क्या सीन है? तो हाँ, तो ये मेरा मेकअप ड्रॉअर आप देख सकते हो कितना ख़राब हो रहा है. सो इसको ठीक करना है. इट्स अ मेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो पहले हम एक एक करके सारी चीज़ें निकालती हूँ मैं, उसके बाद इसको जो है ठीक करूँगी. जो मेरा मेकअप ड्रॉअर है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया. अब मैं इसको बंद करूँगी एंड देन अब हम जो है ऊपर के, मतलब ये जो मैस है इसको ठीक करेंगे. तो मुझे आना ही पड़ा नकाब लगा कर, क्योंकि आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल कि ये वाले जो ड्रेसेस हैं मेरे, ये वाला तो मैंने पहन चुकी हूँ अपने बाबा के बर्थडे पे. सो मैं अभी इसको निकाल के, तो यू नो व्हाट, मेरी जो ये वाली वार्डरोब है, जो ये मिरर वाली है, इसमें इतनी स्पेस नहीं है. तो हमारे घर में एक और रूम है जहाँ पर हमने सबकी अलमारियाँ रखी हुई है, और हम लोग वो ड्रेसेस मतलब वीकली निकालते हैं जो हमें पहनने होते हैं. तो मैं इसको उस वार्डरोब में शिफ्ट कर दूंगी जो हम लोगों ने बनाई हुई है, और वहाँ से वो ले आऊँगी जो मुझे पहनने, बल्कि इधर बहुत सारे ऑलरेडी रखे हुए हैं जो मैंने नहीं पहने हैं. सो यस, और ये जो ये इधर, एक सेकेंड, इधर ये जो ये कचरा हुआ हुआ है इसको भी ठीक करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मेरी अम्मी ने सारी ये वार्डरोब्स रखी हुई हैं. तो ये हमारे सारे पार्टी वेयर हैं, ये वो कपड़े हैं जो हम रोज़ नहीं पहने जाते हैं. तो यू नो ये हम सब इधर, हम सब नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये पूरी मेरी है, एंड देन ये पता नहीं किसकी है, देन ये पूरा रूम ही वार्डरोब्स के लिए है. बेड पे से मैंने सारी चीज़ें उठा के रख दी हैं. बेड बिल्कुल खाली हो गया, तो अभी मैं इसको झाड़ूंगी अच्छे से, उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. सो यस. तो 100% में से 70% काम हमारा हो गया है. अब मैं वैक्यूम लगा रही हूँ, वैक्यूम मैं लेकर आ गई हूँ ये वाला, ठीक है. सो हम ये मैट हटाएंगे, ये जो मेरा वाइट कलर का मैट था, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ऊपर ऊपर से सफाई. मैं हर एक चीज़ को हटा हटा के साफ़ करती हूँ, इसलिए मैंने डस्टिंग भी पूरे पूरे रूम की है. लग जाओ काम पे. ये वाला दिखाते हैं आप लोगों को. दिस वन छोड़ेंगे अच्छे से. ठीक है. सो वी आर ऑलमोस्ट डन. बस हमने जो है थोड़ी सी खुशबू करनी है, एंड देन बस हो गया. फिर मैं आपको दिखाती हूँ.
फाइनली हमारा रूम साफ हो गया है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो टायर्ड सच में। ये मैंने जो है अपनी टॉवल पकड़ी हुई है। सो यस, हमने जल्दी कर भी लिया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लीन एंड टाइडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना प्लीज। और वॉट यू गाइज वॉन्ट टू सी नेक्स्ट, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।